हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक एंट्रेंस का लेक्चर 8 है। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर कर चुके हैं और 7 लेक्चर के अलावा ज्योग्राफी मतलब भूगोल के क्वेश्चन देख चुके हैं 50। हिस्ट्री के भी एक हम पहली बार 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन आज हिस्ट्री की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और आप वीडियो पूरी देखिए। आज टेस्ट सीरीज होने वाली है हिस्ट्री की, जिसमें एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल हैं जो बीए, बीए बीएड, बीएएलएलबी और अन्य एग्जामों में हिस्ट्री में आए हुए हैं। दूसरी बात, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। तो इससे पहले आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी की एक प्लेलिस्ट है, उसमें 50 से 60 वीडियो हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले लेक्चर 7 तक हो चुके हैं, वो भी आप देखिए। तो करते हैं वीडियो को शुरू, उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो वीडियो आप पूरी देखिए, वीडियो आज थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपको हिस्ट्री के 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और इन 50 में 150 क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो वीडियो को देखिए पूरा और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो अब करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन इजी है कि वेद कितने हैं। तो ये तो आपको पता है कि वेद कितने हैं, हाउ मेनी वेदास आर देयर। तो वेद कितने हैं, तो वेद आपको पता है कितने हैं, तो 4 वेद हैं। एक क्वेश्चन यह बनता है कि वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। एक क्वेश्चन यह बनता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। तो वेद कितने हैं, 4 हैं। हम लोग एंशियंट से हिस्ट्री कवर करेंगे, एंशियंट के, मेडिवल के और मॉडर्न के। तो वेद कितने हैं, 4, और सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन सा आता है, तो ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आश्रम कौन कौन से हैं। वो एक क्वेश्चन यह बनता है कि आश्रम कितने हैं। आपको पता है एंशियंट हिस्ट्री में आश्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आश्रम कितने हैं, 4 हैं। तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं, एक तो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्राचीन काल में इनका बड़ा महत्व है। 0 से 25 साल तक रहता था ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, वानप्रस्थ 50 से 75 और 75 से 100 साल तक संन्यास। ऐसा माना जाता था कि इन 4 पीरियड में हम लोगों की लाइफ डिवाइड थी। क्वेश्चन यह आता है जनरली, आश्रम कितने हैं। वेद तो 4 थे, आश्रम भी 4 थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहता था। क्वेश्चन आएगा कितने साल तक लगभग ब्रह्मचर्य रहता था, तो 0 से 25। गृहस्थ रहता था 25 से 50 साल तक और 50 से 75 तक रहता था वानप्रस्थ और 75 से 100 साल तक क्या रहता था, तो संन्यास। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। तो ब्रह्मचर्य मतलब जो आप पढ़ाई करते हैं और सीखते हैं, गृहस्थ में आप सब अपनी गृहस्थी बसाते हैं और आप कुछ जीविकोपार्जन करते हैं मतलब कुछ कमाते वगैरह, वानप्रस्थ भी होता है उसी प्रकार, लास्ट में संन्यास और लाइफ का एंड। तो 4 वेद हैं, 4 आश्रम हैं, वेदांग 6 हैं। क्वेश्चन आता है वेद कितने हैं, 4 हैं, लेकिन कभी कभार यह भी आ जाता है वेदांग कितने हैं। तो वेदांग 6 हैं, क्वेश्चन यह आता है कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, नंद वंश का एंशियंट हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपको पता है घनानंद था, घनानंद। क्वेश्चन आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। इसे किसने मारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन यह बनता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया, युद्ध में हराया। घनानंद किस वंश का शासक था, यह क्वेश्चन आता है, तो घनानंद नंद वंश का शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। और एक इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे,
प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे? प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन है 14, 16, 18 या 20। 14, 16, 18 या 20। क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन में 14, 16, 18 या 20। तो 16 थी। और महाजनपद ये ऐसे हैं, महाजनपद को आप अभी राज्य से देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, इसी प्रकार से महाजनपद थे। जैसे कि अवंती एक महाजनपद था। क्वेश्चन आता है अवंती अभी का क्या है? तो अभी उज्जैन को अवंती, प्राचीन में अवंती कहते थे। अवंती, अवंती एक था, एक मगध था, मगध था, ये सब महाजनपद थे। तो अवंती था, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जैसे प्राचीन में उज्जैनी भी कहा जाता था, तो अवंती का भी कहा जाता था और उज्जैन को, काफी नाम थे। तो प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। अवंती इस प्रकार का एक राज्य, मतलब इसी प्रकार का एक महाजनपद था, तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को किसने मारा? नंद वंश। देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक आ सकता है और मौर्य वंश का अंतिम शासक आ सकता है, तो नंद वंश का कौन था? घनानंद। किसने मारा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मारेगा वो न्यूडा दृष्टि का वो करेगा। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। किसने मारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरी बात, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदरथ था। बृहदरथ को किसने मारा? तो पुष्यमित्र सुंग ने। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यह आएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। तो किसने मारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। जब इन्हें मारा तो इन्हें न्यू वंश की स्थापना की, और वो कौन सा था? मौर्य वंश। दूसरी बात, अब मौर्य वंश का भी पतन हुआ, तो मौर्य वंश का लास्ट शासक था बृहदरथ। बृहदरथ था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन आएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदरथ। अब बृहदरथ को भी किसने मारा? पुष्यमित्र सुंग ने। और इन्होंने शायद पुष्यभूति वंश की स्थापना की, या इसे सुंग वंश भी कहते हैं। पुष्यमित्र सुंग ने बृहदरथ को हार पराजित किया और एक न्यू डायनेस्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है कि आचार्य कौटिल्य थे। तो कौटिल्य से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं कि विष्णुगुप्त किसका नाम है? तो विष्णुगुप्त एक और नाम है, विष्णुगुप्त नाम है जो, वो कौटिल्य का नाम है। कौटिल्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो एक और क्वेश्चन बन जाता है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुंग वंश का अंतिम शासक था, वो था देवभूति। ये जनरली क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। तो सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। तो नंद वंश का कौन था? घनानंद। मौर्य वंश का कौन था? बृहदरथ। और सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कभी कभार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, किस काल में चीन यात्री फायन ने भारत की यात्रा की? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस काल में या किस पीरियड में चीनी यात्री था फायन। एक क्वेश्चन यही बनता है कि फायन किस देश का यात्री था? तो फायन चाइना या चीन का यात्री था। चीन की कैपिटल पूछी जाती है, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। ये क्वेश्चन बनता है, तो किस काल में इसने भारत की यात्रा की? तो इसने जो यात्रा की थी वो की थी गुप्त काल में। गुप्त काल के प्रतापी राजा थे, जैसे कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कभी कभार एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का नेपालियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपालियन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि फायन किस देश का यात्री था? तो चाइना का यात्री था। और इसने किस काल में भारत की यात्रा की? तो गुप्त काल में। गुप्त काल भारत में एक काल हुआ था जब गुप्तों का भारत में शासन था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 5 महाभारत कौन से हैं? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 5 महाभारत कौन से हैं। जैन धर्म में क्वेश्चन आएगा कितने महाभारत हैं? तो 5 महाभारत हैं। तो 5 महाभारत हैं जैन धर्म में। क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म में कितने महाभारत हैं? तो 5 हैं। जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह और शायद एक और है, शायद ब्रह्मचर्य। हम एक मिनट चेक करते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य। तो क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के कितने महाभारत हैं? ऑप्शन में रहेगा 4, 5, 6 या 7। तो जैन धर्म में 5 महाभारत हैं, पंच महाभारत जिन्हें कहा जाता है। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य,
अस्ते अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब एक बार नोट करिए, आ से अहिंसा, आ से अस्ते, आ से अपरिग्रह, तो तीन है आ के, बाकी दो एक सा के और बा के। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म के कितने महाभारत है? पांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म कितने भागों में बटा? तो एक क्वेश्चन आता है जैन धर्म कितने भागों में बटा प्राचीन काल में, दूसरा आता है कि बुद्ध धर्म कितने भागों में बटा। तो जैन धर्म दो भागों में बटा, जैन धर्म दो भागों में बटा, एक थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। क्वेश्चन एक बनता है कि जैन धर्म जनरली यही बनता है कितने भागों में बटा, एंट्रेंस की हम बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म दो भागों में बटा, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। दूसरा है बुद्ध धर्म कितने भागों में बटा, तो जैन धर्म और बुद्ध याद रखिए दोनों दो भागों में बटे। बुद्ध धर्म में एक था हीनयान और एक था महायान। तो दो धर्म दो भागों में बुद्ध धर्म बटा, दो भागों में जैन धर्म, श्वेतांबर दिगंबर और हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच सिद्धांतिका किसने लिखा? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंच सिद्धांतिका किसने लिखा, पंच सिद्धांतिका किसने लिखा, ये काफी महत्वपूर्ण है। पंच सिद्धांतिका लिखा है बरा महन ने लिखा है पंच सिद्धांतिका। क्वेश्चन आ सकता है कि पंच सिद्धांतिका किसने लिखा, पंच सिद्धांतिका किसने लिखा, तो वो बरा महर थे जिन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा। और आप ये क्वेश्चन मेरे नोट कर लीजिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट है कि सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा, तो पंच सिद्धांतिका किसने लिखा, बरा महर ने। तो सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा, और सिद्धांत शिरोमणि लिखा था भास्कराचार्य ने। ये क्वेश्चन बनते हैं जनरली कि पंच सिद्धांतिका किसने लिखा, तो बरा महर ने, और पंच सिद्धांतिका के बाद सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा, तो भास्कराचार्य ने। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा, भास्कराचार्य ने, पंच सिद्धांतिका किसने लिखा, बरा महर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद की रचना किसने लिखी, तो ये तो आपको पता है कि गीत गोविंद की रचना किसने लिखी, और गीत गोविंद की रचना लिखी है जयदेव ने। तो गीत गोविंद की रचना किसने लिखी क्वेश्चन है आएगा, वो लिखी है जयदेव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आपके ऑप्शन है इंडिया में, नेक्स्ट ऑप्शन है चाइना में, एक है भूटान और एक है नेपाल। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, भूटान या नेपाल। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, और चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन एशिया का एक देश है, और चीन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। मैं आपको कभी कई बार बता चुका हूँ कि ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन रॉय ने, या हिंदी में जब आप लिखेंगे तो राजा राम मोहन रॉय लिखेंगे, इंग्लिश में रॉय लिखेंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने, और राजा राम मोहन रॉय में उपाधि क्या है, तो राजा है। क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर बन की बात नहीं कर रहा हूँ, अकबर द्वितीय। एक क्वेश्चन आता है कि अकबर द्वितीय कौन थे, तो ये भी मुगल बादशाहों में से ही एक थे, मुगल बादशाह थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने की, और सती प्रथा बंद करवाने में इनका एक महान योगदान था। क्वेश्चन आता है किस भारतीय का सती प्रथा बंद कराने में महान योगदान था, तो वो था राजा राम मोहन रॉय ने, इनकी और विलियम बेंटिंक, एक और थे विलियम बेंटिंक जो उस समय के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन आता है जब सती प्रथा बंद की गई उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, वो थे विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे, और राजा राम मोहन रॉय, इन दोनों के प्रभाव से उसे सती प्रथा बंद की गई, और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। ये क्वेश्चन बनते हैं। एक और बात, राजा राम मोहन रॉय की जो समाधि है वो विदेश में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि किस महान व्यक्ति की भारतीय की समाधि विदेश में स्थित है, तो राजा राम मोहन रॉय, इनकी समाधि इंग्लैंड की शायद ब्रिस्टल में स्थित है, क्योंकि ये राजा इनका अकबर द्वितीय का केस लड़ने इंग्लैंड गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की, तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की, तो दयानंद सरस्वती ने की, दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। नेक्स्ट है, आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि आपको पता है किसे कहा जाता है? तो आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। आदि कवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। क्वेश्चन का आ सकता है कि आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो आपको ये पता है कि अष्टाध्यायी की रचना की है पाणिनि ने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पुराणों की संख्या कितनी है? वेद कितने हैं? चार। वेदांग छः, आश्रम चार, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18 बताई गई है प्राचीन काल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेद चार है, वेदांग छः है, आश्रम चार है, पुराण 18 है। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? सो द लास्ट मुगल एम्परर इज बहादुर शाह जफर, और यह सेकंड था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल एम्परर था, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। क्वेश्चन आता है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था, इसे द्वितीय भी कभी कभी कहते हैं। और 1857 की क्रांति के समय क्वेश्चन आता है कि कौन मुगल बादशाह था, तो वो बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है चोरी, नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई? INC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी स्थापना 1885 में हुई। और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया एंट्रेंस में कि INC की स्थापना कब हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1885 में, 57 में आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग है अमृतसर में, जलियांवाला बाग है अमृतसर में, अमृतसर में। एक और है स्वर्ण मंदिर है, क्वेश्चन आता है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदि कवि किसे कहते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि को। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ, चोरी चोरा कांड कब हुआ? ऑप्शन है 1921, 1922, 1923, 1924। हाँ तो सही है। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1921, 1922, 1923, 1924। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ और ये काफी महत्वपूर्ण था। और क्वेश्चन ये भी आता है कि मिंटो मार्ले रिफॉर्म कब हुआ? मिंटो मार्ले रिफॉर्म हुआ 1909 में। क्वेश्चन आता है मिंटो मार्ले रिफॉर्म कब आया भारत में? 1909 में। क्वेश्चन एक और आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919 में। एक और क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। आपको हिस्ट्री में डेट याद रखना जरूरी है, और याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि आप लाइन से याद करें, जैसे कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म आया, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, 1919 में ही रॉयल एक्ट आया था, चेक कर लीजिए, 1919 में ही रॉयल एक्ट आया, और उसके बाद 1922 में चोरी चोरा कांड आया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि 1930 में क्या आया? तो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट मतलब CDM, ऐसे हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्वेश्चन में आता है कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। क्या हुआ बंगाल विभाजन? 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सॉरी 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म, फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, फिर उसके बाद 1922 में चोरी चोरा कांड, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और इसे ही क्वाइट इंडिया मूवमेंट कहते थे। क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्वेश्चन आता है किसे कहते हैं? तो 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसे क्वाइट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। कभी कभी जमाने आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ या भारत छोड़ो आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की
प्रथम बैठक कब हुई, इंटरेंस में पूछा गया था ये, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसकी अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे कुछ समय के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष कौन को बनाया गया था इसका, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर भारत के पहले राष्ट्रपति हुए और 2 बार तक ये राष्ट्रपति रहे। तो इनसे क्वेश्चन काफी आते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ। आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में, लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हुआ मुंबई में, मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में अंग्रेजों की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहला विदेशी कौन था जो एक सेशन का अध्यक्ष बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन होता था अलग अलग शहर में, जैसे कि 1885 में बंबई में हुआ, तो 1886 में शायद कलकत्ता में, या कहीं भी अलग राज्य, कहीं पर चेन्नई में हुआ या कहीं कहीं हुआ, तो उसमें हर बार एक अध्यक्ष बनता था। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन रहा, प्रथम विदेशी कौन रहा, प्रथम महिला कौन रहा, या गांधी जी ने किस सेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 1885 में जो अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था, और उसके बाद इसके जो प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले, प्रथम ब्रिटिश या अंग्रेज या विदेशी भी आ सकता है कि प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे, अधिवेशन की बात हो रही है, तो वो थे जॉर्ज यूले। और महात्मा गांधी ने भी एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की, मतलब जो अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की। क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने कितनी बार अधिवेशन की अध्यक्षता की कांग्रेस के, एक बार की और 1924 में की, आप चेक कर लीजिए, वो बेलगांव अधिवेशन था शायद, बेलगांव अधिवेशन। क्वेश्चन आता है कि कौन सा अधिवेशन था, तो बेलगांव था, बाकी डेट आप क्लियर कर लीजिए, 1923 या 24 है, शायद 1924 ही है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को भारत के संविधान की आत्मा कहा। ऑप्शन में आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 या आर्टिकल 34। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा। क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पीएससी लेवल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर है वो खजुराहो में, खजुराहो का संबंध है चंदेल वंश से। कभी कभार यह पूछ लिया जाता है कि चंदेल वंश का संबंध कहाँ से, खजुराहो से भी है और जगह से भी है, लेकिन खजुराहो से भी है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो में है। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कहाँ पर है। सूर्य मंदिर काफी है, लेकिन ये फेमस सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है कोणार्क में। कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा के पास है, या उड़ीसा राज्य में कोणार्क है। सूर्य मंदिर क्वेश्चन आएगा कहाँ है, कोणार्क में है। कंदरिया महादेव खजुराहो में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है। महाकालेश्वर मंदिर आपको पता है कहाँ है, उज्जैन में है। महाकालेश्वर मंदिर क्वेश्चन आएगा कहाँ स्थित है, तो ये है उज्जैन में, उज्जैन में छिप्रा नदी पर। यहाँ पर सिंहस्थ होता है, यहाँ पर कुंभ नहीं, यहाँ पर सिंहस्थ होता है। तो क्वेश्चन आएगा सिंहस्थ कब हुआ था, ये भी आ सकता है 2016 में हुआ, 17 में हुआ, 15 में हुआ या 18 में हुआ। तो 2016 में सिंहस्थ हुआ था उज्जैन में। कभी कभार यह क्वेश्चन भी बन जाता है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक मिनट, तो अब करते हैं वीडियो को हम लोग शुरू। नेक्स्ट है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो एलोरा की गुफाएं काफी फेमस हैं। क्वेश्चन आता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, एलोरा की गुफाएं हैं वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में एलोरा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाएं भी यहीं पर हैं।
क्वेश्चन आता है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, तो वो भी महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। तो काफी बार ये क्वेश्चन आते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है, इसके बाद भरतनाट्यम कहाँ का फेमस नृत्य है, तो भरतनाट्यम एक फेमस नृत्य है, कहाँ का है, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस नृत्य है। कुचिपुड़ी, क्वेश्चन आता है कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस नृत्य है, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तो एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में भरतनाट्यम फेमस है। भरतनाट्यम कहां फेमस है या भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से, ये क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन में रहेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बिहू का संबंध क्वेश्चन आएगा किस राज्य से है, तो बिहू का संबंध असम से। क्वेश्चन आएगा बिहू का संबंध किस राज्य से, असम से। असम की कैपिटल है डिस्पुर, कभी कभार पूछ ली जाती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, तो ये तो आप पर बनता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि अनेकता में एकता। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, खजुराहो में है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन की प्रतिपादक कौन थे, तो सांख्य दर्शन की प्रतिपादक कौन थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन से किन का संबंध है, तो कपिल का संबंध है सांख्य दर्शन से। कपिल का संबंध है, कपिल मुनि का संबंध है सांख्य दर्शन से। क्वेश्चन आएगा सांख्य दर्शन से किन का संबंध है, तो कपिल मुनि का संबंध है। नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी किन की रचना है, रानी केतकी की कहानी से किन का संबंध है, तो इंसा अल्लाह खान का संबंध है रानी केतकी की कहानी से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी केतकी की कहानी से किन का संबंध है, तो वो है इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान का संबंध है रानी केतकी की कहानी से। सांख्य दर्शन से किन का संबंध है, कपिल का, कपिल मुनि का, और रानी केतकी की कहानी से संबंध है इंसा अल्लाह खान का। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया, किस शासक ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। ऑप्शन में जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक ने करवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो वो करवाया था अकबर ने। और अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि किस शासक ने दीन लाही धर्म की स्थापना करवाई, तो वो अकबर था। अकबर ने दीन लाही धर्म की स्थापना करवाई। ये क्वेश्चन काफी बनता है। एक और बनता है अकबर के पिता का नाम क्या है, तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं और हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। एक ट्रिक है याद करने की, भाजसा, बी एच ए जे एस ए, बी से यहाँ पर रहता है बाबर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन एंट्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर के सॉरी जहांगीर के पिता कौन है या शाहजहां के पिता कौन है, तो आप ऐसे देख सकते हैं बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। अब क्वेश्चन बनता है कि मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की, सबसे पहले कौन है, बाबर। एक क्वेश्चन आया था बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन आया किस शासक ने मुगल वंश की स्थापना की, तो बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम है, तो औरंगजेब के पिता का नाम है शाहजहां। पहले आप देख लीजिए बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। औरंगजेब के पिता का क्या नाम है, तो शाहजहां। शाहजहां के पिता का जहांगीर, जहांगीर के पिता का अकबर, अकबर के पिता का हुमायूं और हुमायूं के पिता का बाबर। तो क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर के पिता का क्या नाम है, अकबर। अकबर के पिता का हुमायूं, हुमायूं के पिता का बाबर और औरंगजेब के पिता का शाहजहां। शाहजहां ने आपको पता है ताजमहल बनवाया और जहांगीर का प्राचीन नाम था सलीम। सॉरी जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, क्वेश्चन आता है जहांगीर का मूल नाम क्या था, तो सलीम जहांगीर को ही कहते थे। और यह चित्रकला से संबंधित थे, काफी चित्रकला करते थे। कभी कभार यह भी आता है कि पेंटिंग से किस शासक का संबंध था, तो वो जहांगीर थे, इनका पेंटिंग से संबंध था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, बाबर के पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का पुत्र अकबर था, अकबर की जहांगीर, जहांगीर की शाहजहां और शाहजहां के औरंगजेब। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया। नेक्स्ट है यूएनओ की स्थापना कब हुई,
एक यूएनओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्थापना कब हुई ये पूछा जाता है। तो यूएनओ की, यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है हिंदी में, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। एक क्वेश्चन आता है कब हुई, तो अक्टूबर में हुई थी और शायद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आता है यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, किन की रचना है, तो वो है चंद वरदाई की, पृथ्वीराज रासो लिखी चंद वरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, भारत में नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। इनके बारे में हम जान चुके हैं कि राजा की इन्हें उपाधि मिली, सती प्रथा बंद करवाने में इनका संबंध था, काफी इन्होंने अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे, काफी इन्होंने सामाजिक कार्य किए, इसलिए इन्हें भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता था या है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो देख चुके हैं महाराष्ट्र में। अब करते हैं हम लोग रिवीजन जो हमने इससे पहले की क्लास में देखा। तो पहला क्वेश्चन है वेद कितने हैं, तो वेदों की संख्या 4 है, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है 4 आश्रम कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य 0 से 25, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ 25 से 50, ब्रह्मचर्य ग्रस्त के बाद वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 साल तक। नेक्स्ट है महाजनपदों की संख्या प्राचीन काल में कितनी थी, तो 16 महाजनपद थी, उनमें से अवंती भी या उज्जैन भी एक महाजनपद था। महाजनपद मतलब जैसे कि भारत देश है इसमें राज्य हैं, तो इसी प्रकार से महाजनपद थे या एरिया थे या प्रोविंस भी इन्हें कह सकते हैं या प्रांत कह सकते हैं। नेक्स्ट है नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश की स्थापना की, वो था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, और जिन्हें द ग्रेट अशोक या दाशोक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य वंश का भी एक अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ की भी हत्या की गई, वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या की थी। लेकिन शुंग वंश के भी अंतिम शासक थे, वो थे देवभूति, देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में मशहूर चीनी यात्री फायन ने भारत की यात्रा की, तो गुप्त काल में फायन ने भारत की यात्रा की। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं, तो ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्थे, अहिंसा और अपरिग्रह, ये महत्वपूर्ण हैं और ये 5 हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म कितने भागों में बटा, तो जैन धर्म 2 भागों में बटा और बुद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा, तो श्वेतांबर और दिगंबर, और बुद्ध धर्म बटा हीनयान और महायान में। नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका किसने लिखी, तो पंच सिद्धांतिका को लिखा है बराह मेहर ने। पंच सिद्धांतिका किसने लिखी, तो बराह मेहर ने। नेक्स्ट है सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा, तो भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखा। उसके बाद है अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी, अर्थशास्त्र बुक लिखी थी कौटिल्य ने, कौटिल्य मौर्य वंश की प्रधानमंत्री थी, मतलब मौर्य साम्राज्य था उसकी प्रधानमंत्री थी कौटिल्य। नेक्स्ट है मेघदूतम कुमार संभव और ऋतु संगारम की रचना किसने की, तो वो की थी कालिदास ने। नेक्स्ट है गीत गोविंद की रचना किसने की, तो जयदेव ने की। और एक ट्रिक मैंने आपको बता दी है भाजसा, जिससे आप याद कर सकते हैं कि मुगल एम्परर हिंद के पिता का क्या नाम है। उसके बाद हमने जाना हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। एक और क्वेश्चन बनता है सिंधु नदी कहाँ पर मिलती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। और जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, और जलियांवाला बाग से संबंधित था जनरल डायर का। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड कब हुआ, तो चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ। और मिंटो मार्ले रोफम कब आया, तो मिंटो मार्ले रोफम आया 1909 में।
इसके बाद सबसे पहले हुआ 1905 में बंगाल विभाजन, उसके बाद 1909 में आया मिंटू मार्ले रिफॉर्म, उसके बाद 1911 में कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर हुई दिल्ली। क्वेश्चन आता है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब ट्रांसफर हुई, 1911 में। उसके बाद गांधी जी कब भारत आए, तो 1915 में। उसके बाद 1919 में ही रोल एक्ट हुआ शायद, और 1919 में ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ, उसके बाद क्रिप्स, उसके बाद सामन कमीशन भी आया, और उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ जिसे सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट कहते हैं। तो 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मिंटू मार्ले रिफॉर्म, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी को ट्रांसफर किया गया, 1915 में गांधी जी भारत आए, और 9 जनवरी को आए थे भारत, इसलिए इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है प्रवासी भारतीय दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1919 में क्या हुआ, तो रूल एक्ट हुआ और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, रिफॉर्म दो आए 1909 और 1919। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, इसके बाद 1935 से इतिहास चालू हो जाता है। क्वेश्चन आएगा 1935 में क्या हुआ, 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद 1942 में हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, इसे ही भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, जिसमें गांधी जी ने एक फेमस नारा दिया था करो या मरो। क्वेश्चन आता है डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, और शायद इसी में आंदोलन में दिया था 1942 में, और उन्होंने कहा था कि भारत छोड़ो। उसके बाद 1947 में भारत को आजादी मिली, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, कोणार्क कहाँ पर है, कोणार्क उड़ीसा में है। नेक्स्ट एलोरा की गुफाएं कहाँ है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, और रानी केतकी की कहानी से संबंध इंशाअल्लाह खान का है। शंख दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे, और भारत में नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता था, तो राजा राममोहन रॉय को कहा जाता था, और राजा राममोहन रॉय में राजा उपाधि है किसने दी, अकबर द्वितीय ने दी। अकबर द्वितीय मुगल एम्परर था, और मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की, और अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। तो अगर आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, हमारी ज्योग्राफी भूगोल की क्लास हो गई है वो देख सकते हैं, करंट अफेयर्स वाली क्लास देख सकते हैं, हिस्ट्री वाली क्लास देख सकते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी हर प्रकार की क्लास हो गई है, तो जाकर देखिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दबा दीजिए बेल आइकन, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।